आज रेकी 3 लेवल के सिंबल डायकोमियो जो शक्ति चिन्ह है, महाशक्ति सिंबल, वो सीखेंगे। तो देखिए, पहले एक लाइन ड्रॉ करेंगे लेफ्ट टू राइट। बहुत बढ़िया। ऊपर से एक रे बाएं की तरफ मुड़ जाएगी और फिर जो उसका जोड़ है वहां से आपका राइट की तरफ ये डायरेक्शन आ गया। और फिर एक ब्रैकेट बनाएंगे थोड़ा सा, ये बीच में एक स्ट्रेट लाइन, और फिर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे ये। और उसके बाद नीचे लेफ्ट टू राइट एक रे लाइन खींचेंगे और लंबी और लंबी, पूरे 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 सिंबल को लेते हुए और लंबी और लंबी और लंबी, पूरे आराम से। हाँ, यस। अब यहाँ पे पाई की सिचुएशन बनाएंगे, पाई जैसे बनता है वो बनाएंगे, देखिए। बहुत बढ़िया। और नीचे इसको थोड़ा सा छोड़ के, थोड़ा सा छोड़ देंगे जगह, और नीचे आएंगे एल बनाएंगे और फिर इसको कवर कर देंगे एल को, एक बॉक्स बन जाएगा। और फिर एक वी शेप बनाएंगे जो लेफ्ट की तरफ उसका मुंह खुलता हुआ होगा। फिर एक लाइन बनाएंगे स्ट्रेट, और एंगल के लिए ऊपर एक उल्टा एल कह दीजिए या तो, वो बन रहा है। और जेड की एक शेप बना के मल्टीपल स्प्रिंग, एंडलेस स्प्रिंग, तो ये बना डायकोमियो। अब एमसी गुप्ता भैया हमें होसना सिंबल भी बनाना सिखाएंगे, जो कुछ इस प्रकार है। जैसे कंडील बनाते हैं, बनाइए, देखिए बहुत अच्छे से। ऊपर से जैसे हैंगर की शेप में ये बनता है, और नीचे भी हम एक उल्टे हैंगर, जैसे उल्टा कर देते हैं वैसे हैंगर को लेते हैं, दो हैंगर को जोड़ते हैं और ये होसना बन जाता है। पर ये पैरेलल, यानी दो यूज़ होते हैं तो हम एक पैरेलल एक और बनाएंगे। ये पेयर में यूज़ होते हैं ये सिंबल, और इनका काम है कोई भी प्रैक्टिकल लाइफ में अवरुद्ध आ रहा है, ब्लॉकेज आ रहा है, होते हुए काम रुक रहे हैं, तो वहाँ अगर आप होसना डालोगे तो वो क्लियर हो जाएंगे और हो जाएंगे। हमारे आभा मंडल में भी ये क्लैरिटी लाते हैं, तो हम अपने आभा मंडल की सफाई के लिए भी होसना को यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कोई काम आपके होते होते रुक रहे हैं ऑफिस में, या कैसे भी होते होते काम रुक जा रहा है, उसको ये पूरा करते हैं। तो हम वैसे ही एक बार कहते हैं और 3 बार उसका उच्चारण करते हैं। धन्यवाद भैया। अब हम बनाना सीखेंगे मोटा जनौन। तो देखिए, नीचे से एक एंटी क्लॉकवाइज 2.5 चक्कर बनाएंगे, और एक रे को लंबा खींच के ऊपर लाएंगे, और उसके बेस से एक और रे खींचेंगे ऑलमोस्ट पैरेलल, और फिर यहाँ पे एक छोटी सी लाइन बना के 7 किरणें जैसे आती हैं लाइटनिंग आकाश से, ये 7 लेवल को ला के, और फिर हम इसको छू देंगे और इसको एक तरफ जोड़ देंगे। तो ये वायरस को रिमूव करने के लिए और बैक्टीरिया को रिमूव करने के लिए सिंबल काम आता है। बुखार में, HIV में, और कोई भी लंग्स की कोई भी प्रॉब्लम हो, गले में हो, तो कहीं भी वायरस और बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको रिमूव करने के लिए इसका बूमरैंग इफेक्ट होता है। गुप्ता भैया, रामा सिंबल आप सिखाने जा रहे हैं, तो ये 2 राइट पहले बनाते हैं। देखिए, नीचे से ऊपर एक तरफ पहले एक जैसे राइट करते हैं, टिक मार्क करते हैं, ऐसा हम एक लाइन खींचते हैं, और दूसरा उसके सामने एक टिक मार्क लाएंगे। बिल्कुल बढ़िया। और ऊपर से हम 7 चक्रा को कवर करेंगे, 1, 2, और ये क्रॉस के इधर 4, 5 और 6 पे बाहर निकल जाएगा, मूलाधार से बाहर। हाँ, तो ये आप देखिए, ये सिंबल बना है रामा सिंबल, और ये नकारात्मक ऊर्जा, चाहे वो पृथ्वी में हो, मन में हो, भाव में हो, एनवायरनमेंट में हो, कहीं भी हो, नकारात्मक ऊर्जा वो रिलीज हो जाती है। तो धन्यवाद भैया। अभी जौरे सिंबल बनाना सिखाएंगी, जो कुछ इस प्रकार है। भाभी बनाइए, ठीक है। और एंटी क्लॉकवाइज ये 2.5 सर्कल, उसके बाद जैसे 2 की फिगर बनाते हैं, और एक उल्टे 2 की फिगर, ये बहुत अच्छे। उसके बाद ये देखिए, उल्टा क्रॉस जैसे है वो बनाया है, और
एक जेड लेके एंटी क्लॉकवाइज सर्कल, जो कुछ चौकुरे जैसा दिख रहा है पर वो नहीं है। तो आपने ये देखा, पांच का ये सिंबल सेट है, और जब ये डाल के हम प्रयोग करते हैं तो अवरुद्ध को हटाते हैं। एक्चुअली वो शरीर में कोई अवरुद्ध हो, नाड़ियों में हो या किसी कार्य में हो। तो धन्यवाद भाभी, बहुत अच्छा आपने बनाया। बनाना सीखेंगे तो सबसे पहले जेड शेप को बनाएंगे। पहले जेड शेप एक ड्रॉ कर ली, और उसके मिड पॉइंट पे हम जैसे कोई रिबन को फोल्ड करते हैं फिंगर्स में, इस तरह से हम एक ऐसे लाएंगे, गई करेंगे, और एक तरफ तीन हो जाएंगे। उसके बाद एक फ्रीली इस रे को बाहर निकलने देंगे, जो इन्फिनिटी का साइन है। तो इस तरह से जो नार जो है वो हमारे कार्मिक हीलिंग में और कनेक्शन में, दोनों में काम आता है। बहुत बढ़िया। अब स्वास्तिक बनाएंगे। देखिए स्वास्तिक बनाना सीखिए। पहले एक लाइन हम ऊपर से लाते हैं, भाव होता है कि हमारा परमात्मा से मिलन, और उनका आशीर्वाद लेके हम नीचे आते हैं, फिर अपने में धारित करते हैं, तो ऐसी फ्लैट लाइन, और फिर पृथ्वी माँ में इसकी जो ऊर्जा है उसको समाहित करते हैं। तो इस तरह से एक कुर्सी नुमा शेप बनती है। अब जो बैक साइड है कुर्सी का, वो पॉइंट है, उससे नीचे की तरफ एक रे लाएंगे और इसके रे को पूरा करेंगे, साइड में ले जाएंगे, फिर उस पॉइंट पे अगेन, फिर वहीं जाएंगे पॉइंट पे बैक में, और फिर एक रे बाहर आती भी और इसकी जो ऊर्जा को पूरा करेंगे। अब एक लाइन ऊपर इसको कंप्लीट कर देंगे स्वास्तिक, और फिर इसमें एंटी क्लॉकवाइज हम हर जो क्षेत्र है उसमें एंटी क्लॉकवाइज ढाई चक्कर, एक चक्र बनाएंगे जो प्यूरिफाई करता है। और इसके अलावा भी हम एंड पॉइंट पर और रेज बना सकते हैं, जिससे कि और प्रबलता महसूस करें, और ये स्वास्थ्य और खुशी प्रसन्नता का प्रतीक है स्वास्तिक। बहुत अच्छा। ग्रामीण सिंबल बनाना सीखेंगे, जो कि बुखार, जो कि पेन को रिलीज करने के लिए यूज़ होता है। तो ये एक स्टार बनता है जिसमें हाथ नहीं उठाते हैं, और एक सीक्वेंस में बनता है। और देखिए इसके पांच ट्रायंगल्स इसमें मिलते हैं, जबकि आपटा में हमें छह ट्रायंगल मिल रहे थे, ये पांच ट्रायंगल का है। और इससे कोई इंसेक्ट बाइट है उसका ज्वर दूर हो सकता है, या फिर कोई पेन हो किसी तरीके का, उस पर हम यूज़ कर सकते हैं। और सिंबल बनाना सीखेंगे जो है वसुधा। तो देखिए जैसे आपने पहले स्वास्तिक सीखा था, बिल्कुल वैसे पहले हम स्वास्तिक बनाएंगे। ऊपर से एक रे लाते हुए और अपने अंदर समाहित करते हुए पृथ्वी में जा रही है ऐसा महसूस करेंगे, फिर उसके टेल से नीचे की ओर पृथ्वी की तरफ एक रे, और जिसका पैर हम मोड़ देंगे, उसके बाद सीधी एक रे वहां से और ऊपर की तरफ, ये एकदम सीधी रे, देखिए ऊपर की तरफ इसको हम मोड़ देंगे, और ऐसे ही ये जो रह गई थी इसको भी इधर मोड़ दिया। और इसमें भी हम पहले एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बनाएंगे, बिल्कुल स्वास्तिक बना लीजिए पहले, ठीक है। देखिए कितने अच्छे स्वास्तिक ये एंटी क्लॉकवाइज सर्कल बन रहे हैं। और अब इनको हम क्लोज कर देंगे, यानी जो खुशी की ऊर्जा हमारे पास आ गई, प्रसन्नता और स्वास्थ्य की, अब हम इसको एनक्लोज कर देंगे। तो आप देखिए इस तरह से हम एनक्लोज करेंगे, तो ये हमारी वेल्थ ऊर्जा को प्रमोट करता है, ये वसुधा ये वेल्थ ऊर्जा को प्रमोट करता है। देखिए बहुत बढ़िया। आपटा सिंबल बनाना सीखेंगे, जो कि दो पिरामिड होते हैं। तो पहले ऊपर वाला पिरामिड बनाएंगे, एक डॉट से हम लेफ्ट की तरफ एक रे को लेके आएंगे, उसी सीक्वेंस में चलेंगे वापस, और उसको बंद कर देंगे ऊपर ले जाके। ये एक पिरामिड हो गया, एक ट्रायंगल हो गया। अब नीचे से राइट की तरफ बाहर की तरफ एक रे लेके जाएंगे, और कंटिन्यूएशन में इस पिरामिड को कंप्लीट करेंगे। जब ये पिरामिड कंप्लीट हो गया, तो एक बीच में सर्कल, जो कि पूर्ण ब्रह्मांड से जोड़ के एनर्जी लाता है, वो बनाएंगे, एक गोला बनाएंगे। हाँ,
एक गोलाई बना दीजिए, या इसमें भी हम एक ढाई चक्कर जो है एंटी क्लॉकवाइज प्यूरिफिकेशन के लिए भी बनाते हैं। हाँ, आप जो आपके ट्राइंगल्स के देखिए, इसमें हमें 6 ट्राइंगल्स मिल जाते हैं, तो यहाँ पे भी हम ब्रह्मांड से जुड़ते हैं और यहाँ डॉट लगाते हैं, यानी छोटा सा गोला बनाते हैं हर ट्राइंगल के बीच में, हर ट्राइंगल के बीच में ये छोटे गोले बनाते हैं हर ट्राइंगल में। एक में शायद छूट गया। हाँ, तो ये हमारा आपटा सिंबल है, और ये हम पीसफुल कोई भी काम करवाना चाहते हैं किसी से, तो अपने ऊपर डाल के उससे वो काम करवा सकते हैं पीसफुली। ठीक है, बहुत। मुद्रिका सिंबल बनाना सीखेंगे, जो कि क्राइस्ट के क्रॉस की तरह होता है, तो वो राइट से लेकिन हम ड्रॉ करेंगे, और ऊपर से मिड, इस लाइन के मिड से ऊपर से नीचे हम इसको ड्रॉ करेंगे, और इस सिंबल को बोलते हैं उद्रिका, जो प्रोटेक्ट करती है और सील करती है। बहुत बढ़िया।